तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल फिलहाल राव सेवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, ईडी की टीम राव सेवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। लंबी पूछताछ हुई है शराब घोटाला मामले में। हालांकि ईडी का दावा अभी तक ये रहा है कि शराब घोटाला के मामले में ईडी की टीम को सहयोग अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष भी रखा था। और आज फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राव सेवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कुछ ही देर में सुनवाई भी शुरू हो जानी है। ईडी की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। परिवार के सदस्यों की बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बहुत पहले से कोर्ट पहुंची हुई हैं। दोनों पक्षों के वकील भी ईडी की तरफ से एसजी पक्ष रखते हैं ईडी की टीम का। आज के बारे में खबर ये मिल रही है कि आज ईडी की टीम को रिमांड की जरूरत नहीं है, न्यायिक हिरासत में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और न्यायिक हिरासत में जाते ही सीधे रास्ता पहुंचेगा कहां, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के मौजूदा सीएम हैं और दावा और जिद ये है अभी तक अरविंद केजरीवाल की कि हम किसी भी सूरत में जेल से ही सरकार चलाएंगे अगर जमानत नहीं मिलती है तो। हालांकि इसको सियासी रंग रूप भी देने की भरपूर कोशिश हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनावी माहौल में कल आपने देखा दिल्ली के रामलीला मैदान में जो तस्वीरें निकली, वहां से सभी की पत्नी यानी जितने भी नेता गिरफ्तार हुए हैं उन सभी की पत्नी वहां पर मौजूद थी। और पब्लिक के सामने ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है वो सही नहीं है। इस वक्त हम राव सेवेन्यू कोर्ट से फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कुछ ही देर में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जानी है। और आज के बारे में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ईडी को अब रिमांड की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ लग चुके हैं जिसके बारे में ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि अगर पासवर्ड मिल जाए उसके बाद उसे ओपन करके वहां से भी कुछ सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं है तय कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ के बाद ईडी की टीम किसी और से पूछताछ नहीं करने वाली है, बल्कि हमने देखा कि गहलोत से पूछताछ हो चुकी है और इसके अलावा जरूरत पड़ी तो उनसे दोबारा या फिर दिल्ली सरकार के जो बाकी बचे हुए मंत्री हैं या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी जरूरत पड़ने पर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन आज के बारे में खबर यही है, ईडी को अब रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तस्वीर भी कुछ देर में साफ हो जानी है जब एसजी पक्ष रखेंगे कोर्ट रूम में ईडी की टीम का। जो अभी तक पूछताछ में हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ये मामला कितना संजीदा है जिसमें ईडी की टीम को ये तक कहना पड़ा कि किंगपिन की भूमिका में कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल थे, सरगना के तौर पे अरविंद केजरीवाल थे। ये ईडी की दलीलें एसजी के जरिए कोर्टरूम में रही और इसके आधार पर ही ईडी की टीम को रिमांड मिली थी। और दूसरी रिमांड के दौरान भी ईडी ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, पूछताछ की बातें, जरूरी कागजात, उसके आधार पर दोबारा भी रिमांड। लेकिन आज हमारी जो सोर्सेज हैं ईडी के हवाले से उनका कहना है कि अब रिमांड की जरूरत नहीं है। राव सेवेन्यू कोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए जाते हुए। और राव सेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की आज पेशी है जिसको लेकर पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। थोड़ी देर में केजरीवाल कोर्ट के अंदर होंगे और साफ तौर पर केजरीवाल की ओर से जहां एक तरफ राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है और ये तमाम जो आरोप लगे हैं उन पर उसे बेबुनियाद बताया जा रहा है, ईडी जैसी स्वतंत्र जो एजेंसी है उसके दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष जो है बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। और इसी को लेकर अब शराब घोटाला नीति मामले में एक लंबी जांच के बाद, एक लंबी पूछताछ के बाद, 10 दिन के बाद एक बार फिर से राव सेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। यह सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप राव सेवेन्यू कोर्ट से देख रहे हैं। सवाल यह है कि अब ईडी की ओर से क्या मांग की जाती है, क्या पूछताछ के लिए रिमांड की और मांग की जाती है।